स्वागत है फिर से आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम आपको एक छोटा सा टिप्स देने वाले हैं। दोस्तों, हमारे पास बहुत से प्री डिफाइंड शेप डिज़ाइन होते हैं। दोस्तों, हमारे पास बहुत सारे बेसिक शेप्स होते हैं, जैसे पॉलीगॉन, स्टार, कॉम्प्लेक्स स्टार, स्पाइरल, बेसिक शेप, एरो शेप, फ्लो चार्ट शेप, बैनर शेप एंड कॉल आउट शेप, जिसका हम यूज अपने डिज़ाइन में करते रहते हैं। लेकिन अगर ये बेसिक शेप को हमें रीमोडिफाई करना है, यानी उसका लेआउट हमें थोड़ा चेंज करना है, तो हम कैसे कर पाएंगे, ये आज के इस वीडियो में हम ये चीज़ सीखेंगे। दोस्तों, इन शेप को इसीलिए बनाया गया है ताकि आप इसका डायरेक्टली यूज कर सकें और इसे जब चाहें तो रीमोडिफाई करके भी आप इसे यूज कर सकें। तो आज के ये वीडियो हमारा बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल सके। हम यहाँ पर एक बैनर शेप ले लेते हैं और उसे रीमोडिफाई करके हम सीखते हैं। इसी तरह हम किसी भी डिज़ाइन को रीमोडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर हम एक बैनर शेप यहाँ से क्लिक करेंगे और ऊपर जाएंगे और यहाँ से ये जो परफेक्ट शेप है बैनर का, वहाँ से कोई भी बैनर की डिज़ाइन हम यहाँ से एक सेलेक्ट करेंगे और अपने आर्ट बोर्ड पर आकर उसे सिंपली हम अभी से ड्रा कर लेंगे। ये हमारा एक बैनर शेप हो गया। इसे हम जैसे के तैसे यूज कर सकते हैं, लेकिन हम यदि चाहते हैं कि इसमें कोई चेंजिंग कर लें, इसका लेआउट थोड़ा चेंज कर दें, तो इसके लिए हमें इस शेप को सबसे पहले कन्वर्ट टू कर्व करना होगा। कन्वर्ट टू कर्व करने के लिए हम ऑब्जेक्ट मेनू में जाएंगे और वहां पे सेलेक्ट करेंगे कन्वर्ट टू कर्व, जिसे हम कीबोर्ड से कंट्रोल क्यू प्रेस करके भी यूज कर सकते हैं। ये हमने कन्वर्ट टू कर्व कर दिया। अब इस शेप पे कुछ मॉडिफिकेशन लाने के लिए हमें यहाँ से शेप टूल लेना होगा। शेप टूल से हम यहाँ से क्लिक कर दिए। अब देखिए कि इस डिज़ाइन को हम यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं। अब शेप टूल की मदद से हम इसे मॉडिफाई कर सकते हैं, इसे कन्वर्ट टू कर्व कर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे टू कर्व, और नीचे का जो हमारा पार्ट है उसे भी हम कन्वर्ट टू कर करके कुछ इस तरह से। ये पूरी तरह से आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि आप इसे किस शेप में और किस ढंग से चेंज करना चाहते हैं। ये हमने एक ऐसा कुछ शेप बना दिया और इस ऊपर के लाइन को भी हम कन्वर्ट टू कर्व कर लेते हैं टू कर्व, और यहाँ पे एक नॉट बनाकर इसे हम कुछ इस तरह से नीचे कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि आपका ये जो बेसिक शेप था रीमोडिफाई हो गया है। और यहाँ पर इसमें कलर फिलअप करने के लिए हम स्मार्ट फिल टूल का यूज करेंगे। स्मार्ट फिल टूल इसमें कलर फिलअप कर देंगे। ये हमारा कलर यहाँ पे फिलअप हो गया। और इस डिजाइन को हम यहाँ से ऐसे मूव करके
इस साइड में ले लेंगे और बैक का डिजाइन हम यहाँ पे डिलीट कर देंगे। अब इसमें हम इंटरेक्टिव फिल टूल का यूज करेंगे। और ऊपर की साइड में हम बिल्कुल रेड कलर ले लेते हैं। उसी तरह यहाँ भी हम इंटरेक्टिव फिल टूल का यूज करेंगे और यहाँ पे रेड साइड का कलर ले लेते हैं और यहाँ पर हम रेड कलर यूज कर लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि आपका ये जो बेसिक शेप था बैनर का, आपका ये था, इसे आपने मॉडिफाई करके कुछ इस ढंग का एक बेसिक शेप तैयार कर लिया। तो इस तरह के जो बेसिक शेप्स होते हैं उसको आप रीमॉडिफाई करके अपने हिसाब से उसकी डिजाइन चेंज कर सकते हैं और उसका मल्टीपल ढंग से यूज कर सकते हैं। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आज का ये छोटा सा टिप्स आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। तो एक नए वीडियो के साथ हम फिर मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।